फैंस फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी बोल रहा हूँ। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, ये कहते हुए कि पिछले 35 वर्षों में इतने घोटाले हुए, जबकि अर्थ जगत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन सभी घोटालों के दौरान भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का दावा करते रहे, लेकिन घोटालों का सरताज बने हुए हैं ये किसी को पता नहीं लगने दिया, जिसके ऊपर में चुटकी ली प्रधानमंत्री ने, ये कहते हुए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये सीखना चाहिए कि रेनकोट पहन करके बाथरूम में कैसे नहाया जाता है। घोटालों का बादशाह होते हुए भी आज तक उनके ऊपर में कोई दाग नहीं लगा। ये बात तो आज 8 फरवरी 2017 बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लेकिन यही बात मैं दिसंबर 2012 को जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके घर में घुस करके इनको मैंने मारा था, जिसके जो केस आज भी चल रहा है पटियाला हाउस में। आप लोगों को मालूम होगा बिग बॉस के घर से मुझे स्पेशली लाया गया था 2 जनवरी 2017 को, वो वही केस था जिसमें हमने यही कहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मारा था कि तुम रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाने का जो नाटक कर रहे हो, इस नाटक का पर्दाफाश मैं करूंगा और तुम्हें मैं कहता हूं। उस वक्त घोटालों के जो इनके जो पार्टनर्स थे, ए राजा, सुरेश कलमारी, इन लोगों को ये सीबीआई के हवाले नहीं कर रहे थे, उनका संरक्षण कर रहे थे। तो और उसके अलावा जो भारत द्रोही हिंदुस्तान द्रोही जाकिर नायक, जिसने भगवान गणपति और शिव को गाली दिया था और वो बेच रहा था करोड़ों रुपए का सीडी, जिसका पार्टनरशिप इनके साथ में था डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में, इन दो कारणों से मैंने मारते हुए मनमोहन सिंह को ये कहा था कि तुम घोटालों के और भ्रष्टाचारों के तुम बादशाह हो, तुम प्रधानमंत्री का पद त्यागो, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मनमोहन सिंह का ये सौभाग्य था कि मेरा जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो सिक्योरिटी वालों ने मुझे पीएम के घर के अंदर लेके जाने नहीं दिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं राइफल हमारे पास में है, उस वक्त मैं अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर बेबड़े लेकर के गया था और मेरी ये सोच थी कि इस आदमी को समझ में नहीं आता तो 6 की 6 गोली में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सीमा में मार देता, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने हमसे वो रिवॉल्वर ले लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ बिना हथियार के जाने देंगे। और उस वक्त भी मैंने मनमोहन सिंह से मैं अपने पेन ड्राइव में मैं ऑर्डर टाइप करके लेके गया था, खास तौर पे ये सुरेश कलमारी और ए राजा को सीबीआई के हवाले करने के लिए, और उसके साथ साथ ये जो जाकिर नायक ने जो भगवान शिव और गणपति को गाली दिया था उस सीडी को बंद करवाने के लिए। और मैंने मनमोहन सिंह को उनके बेडरूम से उठा करके दरवाजा बंद करके मैंने सिर्फ एक लफ्ज कहा कि आप जानते हैं मैं देशभक्त हूं और आप ये भी जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह आप देश के दुश्मन हैं, देश को बेच रहे हैं आप और सोनिया गांधी दोनों मिलकर के, अभी इस वक्त आप मेरे कब्जे में हैं और आप यदि सही सलामत रहना चाहते हैं तो आप ये पेन ड्राइव आप कंप्यूटर में लगाइए, अपने लेटर पैड पे ये ऑर्डर की कॉपी आप प्रिंट आउट निकाल करके साइन करके आप इमीडिएटली इसको एक कॉपी आप मुझे दीजिए और बाकी सर्कुलेट कीजिए, ताकि ये ए राजा और सुरेश कलमारी गिरफ्तार हो सकें और ये भ्रष्टाचार को हम कम कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दबाव ने, मेरे धमकियों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना डरा दिया कि उस भ्रष्टाचार के बादशाह ने, उस भ्रष्टाचारी मनमोहन सिंह ने वो साइन करके वो ऑर्डर मुझे दिया। और उसी वक्त उसके बाद आप लोगों ने सबने देखा, ए राजा भी गिरफ्तार हुआ, सुरेश कलमारी भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ की जुडिशियरी बिकती है, यहाँ के जज बिकते हैं, वो लोग आज फ्री घूम रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं भारत के सभी भारतीयों से मैं अपील करता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा दें। कानून तो सजा इनको देगा नहीं, जैसे जो बात मैंने 2 दिसंबर 2012 को कही थी कि ये रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाने की कला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जानते हैं, और जो उसी बात को आज इतने सालों के बाद
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिपीट किया, तब यदि ये बात ये लोग मान गए होते तो भारत इतना, भारत की आर्थिक दशा इतनी कमजोर नहीं होती। आज भारत इस विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर पावर होता। अभी भी वक्त है, देर आए दुरुस्त आए, हमको इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। मैं सभी भारतीयों से मैं अपील करता हूं, भ्रष्टाचार का सागर, भ्रष्टाचार का भंडार कांग्रेस को खत्म करके डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जैसे भ्रष्टाचारियों को खत्म करें, और जुडिशियरी में जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनको भी खत्म करें, उन जजों को भी खत्म करें। वरना आने वाले समय में मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मैं चेतावनी देता हूं, ये सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, ये भाषण बंद कीजिए और इसके खिलाफ एक्शन लेकर के भ्रष्टाचारों का बादशाह मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को जेल के अंदर डालिए। और यदि आप नहीं डालेंगे तो मेरे ओम जी हिंदू सेना के लाखों कार्यकर्ता सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के घर में घुस करके मारेंगे। हम यदि जुडिशरी सजा नहीं देगी तो हम सजा देंगे भ्रष्टाचारियों को, इस देश के अंदर हम जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। जय भारत, जय विश्व बंधुत्व, जय हिंद।